हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बारा तुम्हारी स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक में। गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब से रिलेटेड वीडियो। गाइस ये क्यूब आपने कहीं ना कहीं ना देखा ही होगा, आप में से कितने लोगों के पास ये क्यूब होगा भी, और कुछ लोग सॉल्व भी कर लेते होंगे, कुछ लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है। अगर इनको नहीं आता तो बहुत सही जगह पर आए हैं, तो इस वीडियो को देख के वो सीख सकते हैं कि क्यूब को कैसे सॉल्व करना है। चलिए पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो गाइस ये क्यूब के बारे में आप जानते हो क्या है? तो क्या है, नॉर्मल लोग ये कहते हैं ये खिलौना है भैया खेल दो। नहीं गाइस, क्यूब सबसे पहले 1974 में इन्वेंट किया गया था। 1977 में इसको फर्स्ट टेस्ट हुआ एंड 1980 में इसको मार्केट में उतारा गया, और 2009 तक ये तकरीबन 350 मिलियन तक सोल्ड हो चुका था। तो पहले तो इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, पर अभी काफ़ी ज़्यादा है, सबके पास रहता है। तुम्हारे ब्रेन एक्सरसाइज के लिए, आई कॉन्सेंट्रेशन के लिए, फिंगर मूव्स के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे नॉर्मल एक्सरसाइज भी होता रहता है। तो गाइस इसको इन्वेंट किया एक प्रोफेसर ने जिनका नाम है रूबिक। तो इसका नाम रूबिक क्यूब नहीं है, इसका नाम है स्पीड क्यूब, मैजिक क्यूब, पजल क्यूब। तो उनका नाम है अर्नोल्ड रूबिक, तो उन्होंने इन्वेंट किया तो हो गया रूबिक क्यूब। तो इसके पीछे का ये फैक्ट है, तो इसके बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं। तो गाइस रूबिक क्यूब से भी काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं। तो ये है मेरा 150 रुपीज़ का, जो काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो। तो इसमें और भी काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं, कोई सस्ता आता है, कोई महंगा आता है, जितने तो मेरा 150 का है, अच्छा है, स्मूथ है, मैंने उसे ऑनलाइन ही लिया था। तो अगर आप फ्री रूबिक क्यूब बाई करना चाहते हो तो अपने मार्केट्स में जाके बाई कर सकते हो, और तकरीबन मार्केट पे 100 रुपये में भी आता है, पर ऐसा नहीं रहता है। लेकिन आप सीखना चाहते हो, अगर आप बिगनर हो तो आप खरीद सकते हो 100 रुपये वाला, हाँ, पर आप वो मत खरीदना 20 रुपये का जो आता है, जो इसको मतलब जो बहुत ही टाइट होता है, 20 रुपये का सिर्फ आता है, वो प्लास्टिक का एक तो रहता है, बस करो घूमता ही नहीं है, वो कभी कभी ज़्यादा प्रेशर तो टूट जाता है, तो वो मत खरीदना, क्योंकि उससे आप सीखोगे नहीं बल्कि अपने आप को इरीटेट कर दोगे। एक इसमें 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 साइड्स होते हैं। 3x3 रूबिक्स क्यूब है, तो 2x2 भी आता है, 4x4 भी आता है, और हाई में जाओ तो 22x22 भी आता है। तो वो सॉल्व करना मतलब सबके बस की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्यूब है वो रूबिक्स क्यूब 3x3 है, तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो हमारा आप देख रहे हो, इसे सेंटर पीस बोलते हैं, और ये जो हमारा सेंटर पीस के ऊपर रहता है, इसे एज पीस कहते हैं, एज। वैसे इस चाहो सेंटर पीस हमें जगह से कभी नहीं हटता, एज पीस के हैं, तो एज पीस होते हैं, ये चेंज होती हैं। और ये जो साइड में हमारी चार हैं, ये कॉर्नर पीसेस हैं, ये हमारी कॉर्नर पीस हो गई, ये हमारी एज पीस हो गई, और ये हमारा सेंटर पीस हो गया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा रखना है। रूबिक्स क्यूब सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, और इसके फॉर्मूले कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप सही से सीखो तो बहुत ही जल्दी आप सीख जाओगे। तो गाइस इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ये आप देख लो, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये हमारा सेकंड लेयर हो गया, गाइस ये हमारा सेकंड लेयर है, और ये जो नीचे का हमारा है थर्ड, तो गाइस ये हमारा थर्ड लेयर हो गया। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, और हमको तीनों को एक एक करके सॉल्व करना होता है, पहले फर्स्ट लेयर को, फिर सेकंड लेयर को, फिर थर्ड लेयर को। तो गाइस इसमें आपको कुछ मूव्स बताता हूँ, इसे हम राइट बोलते हैं, राइट इन्वर्टेड, इसे अपर बोलते हैं, और इसके अपोजिट में अपर इन्वर्टेड हो जाता है, और ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट इन्वर्टेड इस तरह होता है, और इसे हम डाउन बोलते हैं, डाउन और डाउन इन्वर्टेड, और ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा मिडिल हो गया। गाइस आप देख सकते हो ये फ्रंट हो गया, इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, हम ऐसे क्यूब सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ऐसे किया, ये फ्रंट हो गया, और ये फ्रंट इन्वर्टेड हो गया, और इसको हम बैक करेंगे, ये मेरे बैक में है, तो ये मेरा बैक हो गया, बैक और बैक इन्वर्टेड। ये मूव्स होते हैं जिसके हमें यूज़ करना पड़ते हैं, इसकी मदद से हम क्यूब को सॉल्व करेंगे, और कुछ एल्गोरिथम की मदद से। तो अगर आप भी क्यूब सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करो, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ये क्यूब का इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में कुछ फैक्ट जो मैंने बता दी है। तो हमारी अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसका फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।